जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हमारा जो रिकॉर्डिंग कर लिया बेटा, हो रही है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेनेरिया, डाइजेशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया बेटा एक फ्लैट वॉर्म है। फ्लैट वॉर्म से मुराद जिसकी बॉडी स्कॉच टेप नहीं होती बेटा, स्कॉच टेप जो कि हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, स्कॉच टेप जैसी लीफ लाइक फ्लैट बॉडी है, बिल्कुल फ्लैट। तो ये इसकी अपर साइड है, अगर प्लेनेरिया के देखें तो डॉर्सल साइड, और ये इसकी वेंट्रल साइड है। ठीक है, वेंट्रल मतलब नीचे की जानेब, नीचे की तरफ, और डॉर्सल होती है ऊपर की जानेब। ठीक है बेटा, तो ये प्लेनेरिया की आप डायग्राम देख रही हैं। तो प्लेनेरिया की वेंट्रल साइड पर यहाँ मेरा बेटा एक सुराख होगा, जिस सुराख को माउथ कहते हैं। उस माउथ के अंदर से एक ट्यूब बाहर निकलेगी, माउथ के अंदर से एक ट्यूब बाहर निकलेगी और खुराक को पकड़ कर तो माउथ के अंदर ले जाएगी। वो ट्यूब होगी बेटा फेरेंक्स। ट्यूब क्या होगी? फेरेंक्स। तो अगर कोई चीज अंदर से बाहर निकले और निकल कर कोई चीज ग्रास्प करके वापस अंदर ले जाए तो उसको बोलेंगे इवर्सिबल। क्या बोलेंगे बेटा? इवर्सिबल। इवर्सिबल। अभी हम समझ रहे हैं, उसके बाद फिर लाइन टू लाइन टॉपिक पर आ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि जब तक लाइन टू लाइन हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, हम पेपर्स में अच्छे मार्क्स ले ही नहीं सकते। तो मेरा बच्चा इवर्सिबल फेरेंक्स माउथ से बाहर निकलती है, खुराक को पकड़कर अंदर ले जाती है, और अंदर जनाब है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जिस तरह हाइड्रा में थी। लेकिन इसमें वो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जो है वो तीन ब्रांचेस हैं उसकी। एक ब्रांच आगे की जाने आ रही है, दैट इज एट द फ्रंट जा रही है, और बाकी की दो ब्रांचेस लेटरल हैं। लेटरल से मुराद साइड वाइज बैक साइड की तरफ जा रही है। जहां अगर आप मेरा एरो देख सकें तो पता ये लगा कि एक ब्रांच फ्रंट पर जा रही है टुवर्ड्स ये एंटीरियर एंड, और बाकी की जो दो ब्रांचेस हैं वो लेटरली, लेटरली मतलब साइड से जा रही हैं टुवर्ड्स दी पोस्टीरियर एंड। तो यहाँ जरा मैं आपको, अब इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में ये आप देख रहे हो कि फेरेंक्स जो कि इवर्सिबल है बाहर से निकलेगी फॉर फूड कलेक्शन, फूड को कलेक्ट करके अंदर ले जाएगी, और ये है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी जिसकी तीन ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच एंटीरियर एंड पर जा रही है, और जबकि जो दूसरी दो ब्रांचेस हैं वो लेटरली, लेटरल कहते हैं बेटा साइड से, वो पोस्टीरियर एंड की जानिब जा रही हैं और पूरी बॉडी के अंदर फिरती हैं। ठीक हो गया, अब वापस चलते हैं उसी डायग्राम पर। तो जनाब ये देखें, डाइजेशन इन प्लेनेरिया, डाइजेशन इन प्लेनेरिया। तो सबसे पहले तो हम उसका इंट्रोडक्शन जरा देख लें। प्लेनेरिया इज फ्री लिविंग। फ्री लिविंग से मुराद जो आजाद रहता है, पैरासाइट ना हो। अच्छा, प्लेनेरिया फ्री लिविंग है, फ्लैट वॉर्म है, इसकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट है, इसकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट है। इट इज अ फ्लैट वॉर्म found in fresh water streams, found in fresh water streams and ponds, fresh water streams and ponds. Clear ho gaya? Point number two, there is a single gut opening. Beta, phir digestive system ki agar single opening hai to wo sac like digestive system hai. It is not tubular. Dekhne mein to wo tube lag rahi hai, लेकिन अगेन सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम जिसकी टू ओपनिंग्स नहीं है, माउथ एंड एनस नहीं है, ओनली सिंगल ओपनिंग है माउथ, विच इज यूज्ड फॉर इंजेशन एज वेल एज इजेशन। इंजेशन मतलब खुराक को अंदर लेकर जाना, और इजेशन से मुराद खुराक को बाहर निकालना। तो सिंगल गट ओपनिंग है द माउथ विच इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल सर्फेस।
इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल सरफेस. वेंट्रल सरफेस जिस्म के नीचे की जानब, जिस्म के नीचे की जानब. तो वेंट्रल सरफेस यही थी जिस्म के नीचे की जानब. तो जिस्म के नीचे की जानब एक ही ओपनिंग है और वो भी नियर द मिडल ऑफ द एनिमल है. नियर द मिडल ऑफ द एनिमल, तो एनिमल के मिड में है. ओके, द माउथ ओपन्स इनटू, द माउथ ओपन्स इनटू मस्कुलर टिब्यूलर फेरेक्स. माउथ ओपन्स इनटू फेरेक्स और फेरेक्स लीड्स टू इंटेस्टाइन. यहाँ गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी को हम इंटेस्टाइन बोल रहे हैं, हमारी किताब में उसको इंटेस्टाइन बोला है. इट्स ओके, ठीक है. सो विच लीड्स टू द इंटेस्टाइन, तो फेरेक्स इंटेस्टाइन की तरफ जाती है. नेक्स्ट आ जाए, द इंटेस्टाइन देन इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू थ्री ब्रांचेस. मैंने आपको बोला कि तीन ब्रांचेस में वो टूट जाएगी. एक ब्रांच एंटीरियर एंड की जानब जाएगी, उसको इंटीरियर वन बोल देंगे. और बाकी यानी ये जो इंटीरियर वन है, इट इज एक्सटेंडिंग फॉरवर्ड, क्योंकि वो इंटीरियर एंड की जानब जा रही है अगले सिरे पर, तो इट इज एक्सटेंडिंग फॉरवर्ड. एंड टू लेटरल ब्रांचेस, टू लेटरल ब्रांचेस से मुराद जो दो साइडों पर है और पोस्टीरियर एंड की जानब रन करेंगे. किसकी जानब रन करेंगी? पोस्टीरियर एंड. Well, each of these main branches give numerous small branches which end blindly called sequi. So, beta, ye main zikr kar raha tha ke ye jo mere bachon ko nazar aa raha hai, ye wali jo blue color ki jo cheeze nazar aa rahi hai, ye inhe aap sequi bologe. Sequi blind ends hai. Blind se murad jo aage se band hai, khulti nahi hai beta. ये सीकी हैं, तो these blind ends are called sequi. तो each of these main branches gives of numerous small branches which end blindly called sequi. आगे जनाब, planaria showing much branched gastrovascular cavity. तो पता ये लगा कि इसकी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी मच ब्रांच्ड है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इट इज मच ब्रांच्ड. इसकी कई ब्रांचेस हैं, ओके. और इस मच ब्रांच्ड गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है और एक्सट्रूडेड फेरिंग्स जो कि इवर्सिबल है, जो अंदर से बाहर आएगी, फूड को पकड़कर वापस अंदर चली जाएगी. तो बेटा, अंदर से बाहर आना यानी के वो लंबा होकर बाहर आना और फिर पकड़कर तो वापस अंदर चले जाना को इनवर्सिबल बोलेंगे. तो इट इज एक्सट्रूडेड फेरेक्स. तो प्लेनेरिया अपने फूड को एनगल्फ कैसे करता है? प्लेनेरिया एनगल्फ द प्री बाय प्रोट्रूडिंग. प्रोट्रूडिंग बाहर निकालना, प्रोट्रूडिंग बाहर की जानब निकाल देना. प्रो ट्रू वही लिख रहा था बाहर की जानब निकालना. इवर्सिबल जो बाहर निकलकर वापस अंदर जा सके, इवर्सिबल जो जो बाहर निकलकर वापस अंदर जा सके, ठीक. तो इस तरह वापस अंदर जा सके, तो आई थिंक सो ये रिपीट हो गया, ठीक मेरा बच्चा. तो फेरिंग्स थ्रू द माउथ एंड पुशेस दैट फूड पार्टिकल इनटू द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. बेटा सेम हाइड्रा की तरह फूड पहले एक्स्ट्रा सेलुलरली गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स के जरिए डाइजेस्ट किया जाएगा, उसको बड़े टुकड़ों से छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा. उसके तोड़ने के लिए एंजाइम्स कहां से आएंगे? एंजाइम्स आर सेक्रेटेड बाय ग्लैंड सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन. तो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी के अंदर जो ग्लैंड सेल्स हैं वो छोड़ेंगे एंजाइम्स. तो एंजाइम्स which are secreted by the gland cells of the intestine
when it start digestion, that is breaking up large food particle into small particles, and this will continue the process of extracellular digestion, or extracellular digestion ka ye process continue rahega. Small particles of food are finally, aur phir jab wo chote particles ho jayenge, to unhe are then finally engulfed by phagocytic cells. To phir beta CPK ya gastrovascular cavity ke jo andruni cells hain, jo ki phagocytic hain, wo isko phagocytose karke acche tarike se isko intracellular digestion kar lenge. To remember that digestion is completed. तो बेटा बड़े बड़े फूड को छोटे टुकड़ों में तोड़ना डाइजेशन नहीं है. असल में डाइजेशन इज कंप्लीटेड इंट्रासेलुलरली, मतलब सेल्स के अंदर, फ्रॉम वेयर द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन इज पास्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और फिर बाकी के सेल्स को डिफ्यूजन के जरिए ये सारे जो फूड के पार्टिकल्स हैं, जो डाइजेस्टेड फूड है, उसको पहुंचा दिया जाएगा. ब्रांच्ड इंटेस्टाइन आल्सो फैसिलिटेट्स डिफ्यूजन. जो ब्रांच्ड इंटेस्टाइन है वो डिफ्यूजन में भी मदद देती है. बेटा दूर दूर तक ब्रांचेस फैली हुई होती हैं. ये ब्रांचेस दूर दूर तक फैली हुई है, तो फैली हुई ब्रांचेस मेरा ख्याल है तमाम सेल्स के साथ रबते में होती हैं, जो कि ये ब्रांचेस फिर उन्हें पहुंचा देती हैं फूड के मटीरियल. और रिमेंबर दैट के इसमें भी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो जो जिसकी डाइजेशन नहीं हो सकी, इट विल बी एडजस्टेड थ्रू द माउथ. इट विल बी एडजस्टेड थ्रू द माउथ. उम्मीद रखता हूं बेटा आप सबको समझ में आया हुआ होगा. कोई क्वेश्चन पूछना?